पहाड़ी के बिल्कुल एक साइड ये गांव बसा है, तुसकंडी गांव, ये इनके घर है। कुछ मिट्टी के मकान है, कुछ पक्के मकान यहाँ पे हैं। आप जानते हैं पहाड़ों में कैसा काम होता है, बच्चे हैं, भैंस है, घास लाना, लकड़ी लाना। बहुत ही खूबसूरत मकान हुआ करते थे। हाँ, ये अपने जो है उत्तराखंड के घरों की पहचान है। नहीं नहीं बुआरे है ना, वो नहीं है नहीं कर दी ना, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत जी गढ़वाल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक और खूबसूरत गांव में आया हूँ। इस गांव का नाम है तुसकंडी गांव, पट्टी बडियारगढ़ टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत ही छोटा गांव है, डेंसिटी बहुत कम है इस गांव की और बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। कुछ माइग्रेशन वाले हैं, कुछ लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो आज मैं आपको तुसकंडी गांव के लोगों के साथ रूबरू कराऊंगा। तो मैं अभी बिल्कुल तुसकंडी गांव के सबसे ऊपरी हिस्से पे खड़ा हूँ। ये ऊपरी हिस्से के आखिरी मकान है, मिट्टी वाले घर, कुछ डिनाले वाले घर हैं, कुछ पक्के घर भी हैं यहाँ पे। और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है, तुसकंडी गाँव के बिल्कुल सामने का। बहुत ही छोटा गाँव है, बहुत ही खूबसूरत गाँव है, पट्टी बडियारगढ़ डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में। घास काटते हैं, भैंस है हमारी, बच्चे है, बहुत सारा काम होता है घर का काम। आप जानते हैं पहाड़ों में कैसा काम होता है, बच्चे है, भैंस है, घास लाना, लकड़ी लाना, फिर पानी की प्रॉब्लम है, सड़क भी अच्छी नहीं है। भैंस तीन है, दो भैंस है, एक थोड़ी है। पाल लेते आप तीन भैंस? हाँ, मेहनत करना पड़ता है तो उनके लिए। तो बहुत घास चाहिए, तीन बहुत घास चाहिए, क्या करे, काटते हैं, क्या करना। तो बच्चे तो पालने हैं, पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मुश्किल तो नहीं है, ठीक ही है, पहाड़ भी अच्छा है, पर सड़क की प्रॉब्लम है, पानी की, कभी कभी पानी नहीं आता, बहुत दिक्कतें होती है। फिर जंगल जंगल जाना पड़ता है, घास लकड़ों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ तो हम चाहते हैं कि हमें खेत, जो बंजर खेत है वो चालू हो जाए, फिर बंदरों की वो करे, बंदरों को कंट्रोल में करे। जानवरों की समस्या, जानवरों की समस्या है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ बोए तो वो मिली नहीं, मिलती नहीं, इतने सारे, बहुत सारे बंदर हैं। तो क्या करना, खेती करके भी, अगर खेती करते हैं, सरकार बोल रही खेती करो, तो बहुत सारे बंदर हैं, कोई यहाँ से खा रहा, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से। आलू लगा रखे तो आलू भी सारे निकाल दिए बंदरों ने, सारे आलू, खा आलू दिए। खेती होती है आपके? थोड़ा हाँ, मेहनत करके क्या नहीं होता, मेहनत करने पे सब कुछ होता। कुछ साधन नहीं है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कितने तक पढ़े हो आप, आपके विचार? 8 तक पढ़ती है। 8 तक? हाँ जी। आगे पढ़ाई क्यों नहीं करी आपने? अरे गरीब थे ना भैया। आप नेता बन सकते थे? नेता? अच्छा, 8 भाई बहन है हम। अच्छा, गरीब थे तो पढ़ाना चाहते थे, मैं पढ़ी भी नहीं, कुछ गलतियाँ मेरी भी है। उस टाइम पे पढ़ाई कम होती थी, काम थी ना, काम ज्यादा था, माँ बाबू ने कहा काम सीख लो, काम सीख लो, तुम्हारे काम आएंगे आगे। मैं तो आजकल मायके आई हूँ, बस मायके में इंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ों में रहना तो मुश्किल तो है ही, बेटी बहुओं को घास काटना, गोबर निकालना, घास लाना, चूल्हे में रोटी बनाना, अब तो गैस आ गई है, चूल्हे में कौन तो आ गई है, फिर भी लोग आजकल की बहू तो लकड़ी फेंक के मारेगी। तो गैस तो काफी महंगी है, तो गैस चाहिए, सिलेंडर लाना पड़ता है आजकल, कितनी महंगाई है। गैस जलानी तो सिलेंडर तो लाना ही पड़ेगा, गैस में अपना चाय चूई बना लेते हैं, नहीं मजा है कि? आजकल सर्दियों में चूल्हे का ही मजा है। पहाड़ की जिंदगी बढ़िया है, पर क्या करना है, यहाँ जब बेरोजगार बैठे हैं लोग तो प्लान को भाग रहे हैं। हम तो आए हैं फरीदाबाद से, ग्राम तुसकंडी, मेरे मामा जी रहते हैं यहाँ पे, और हम आए हैं लगभग 8 साल बाद। और यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छा, पॉल्यूशन नहीं है, और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और फिर दिल्ली चले जाएंगे हम उस पॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ आते हैं घूमने के लिए, पूजा पाठ, शादी वगैरह, रिश्तेदारों से मिलना हो। यहाँ पे अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अगर यहाँ रोजगार होता तो हम यहीं बस जाते। मेन है भैया रोजगार, शिक्षा, हेल्थ, हॉस्पिटल की कमी, टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, फिर डिस्टेंस इतना है कि मरीज कहाँ, आपका सिरकोट, श्रीनगर जाते जाते तो कितना दूर पड़ जाता है ना, अगर यहीं फैसिलिटी होती तो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी लोग यहाँ से जो है, हाँ, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, या हेल्थ का इशू जो भी होता है ना, अगर ये सब चीज़ें यहाँ होंगी तो क्यों जाएंगे, इतना अच्छा क्लाइमेट छोड़ के लोग बाहर, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल हैं लेकिन बंद पड़े हुए,
है नहीं हॉस्पिटल में क्या करना है? वही तो डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, डेवलपमेंट तो है धीरे धीरे, ठीक है पहले से तो बहुत है, है ना पहले से तो काफी है, विकास हुआ है काफी, हां हां सड़कें हैं, पानी आ गया, पानी आ गया है, घर में नल लगे हैं, अच्छा मार्केट भी थोड़ा नजदीक है, अभी कल बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, थोड़ा बहुत हो गया, डोरे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो ओ ला 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 पुती गुराणी लगी मेरा मैत की बड़ी बड़ी है गिर तू चेत की मैं खाना बना दूँ अब बर्तन साफ कर दूँ अरे अब नद नदन दे कान में अब टाइम बद हम खेती भी करे गोड़ बेच पाई ना अरे बल्दी भी रहे ना गोबर भी डाले खेत में अरे अब नए नए बुआ रहे ना वो नई डी कर दी ना अरे सवेर में बिहार दे बुआ गास लो दी बस फिर सुन पा देगा सुन पाती कर देनी बस हैं काजल लगा लिपस्टिक लगा तो अब तो किसा कगड़ार कर लाइनर लगा बस सवेरे मेकअप करी हां अब पूजा तो अंदर मुख कर दे दौड़नी बो दे अंदर मुख अबे बुआर बोल नाम लिख यहां पड़े छ हां अरे हमर पति हमने घूमने लियो ना अरे हम कुर्सी में खाना बना दे दियो ना तंदु होननी हां नौकरी चार छ नहीं नो हां बिना रोजगार था ना तब उन दोनों के आमदे लोग वाला लोल वाला लोड़े कोलोल कोड़े अन्य लोल लोड़े थे तो बस ना बस लाइन बहुत बच्चों का छोड़े वाले क्या लोन कहाँ से कहाँ से कहाँ लोन वाल का उन तो जाए मोबाइल हेलो उन तब पूरे अबर कारे लोग रहे बेबू वाबी अबर मालिक मावी हाँ कौन बोलो जान जान वेर ऑन वेर कर कर बस मुटा लो पानी दे मुदारे फोन है आज कल ये नहीं चलो कुछ हां ये अबे दोन घास ले दे ता जो कु दोलो पर आ गया हम तब बोल के बाबा हम तो बिजान खाली आई पका यो नी नी तो नी हां हमार टाइम जो हम तो खूब खाए बिदार कर बिच का सास भी सो सदर रे भी सो मैं सानी दिन था गए दोन कभी नहीं गए बोलियो जब सास गए तब भी नहीं गए मैं सा कभी नहीं दिन था गए हमें मां बुआरो खूब डोनी वन जाई अच्छा मुझके कुछ नहीं है मुझे आज सांझा मुझे जता कर सो रहा था करना था हाँ वो तो ठंडे हो वाच मिनी ताज पान मिनो वही परेशानी कि बिना किराया का था अब हम मगान जल दे रहे मतलब सुबह दवा पान भी मुआर भर दे गैस सिलेंडर भी सड़ाई भी मुआर भर आएगी गैस सिलेंडर लोड़े भी सो हम जो वही हो बस सेफ दानी कोई परेशानी है मुझे दो फुट क्या जन भागना जी सब कुछ ये सब कुछ तो वो बुआ से वो नहीं गया हम तो ऐसे पर खुटी पर आए रहा पास हम बना गया मैं बीमार हूँ यार अब ठंड होएगी देर में जैसे ये राम कन वाला काफ़ लोला खाना कड़ी वाला खाना गाना नहीं होने में दे कारी चालू मोर चुरी कारी चालू खाई पिए ये मेरे चुरी सन को निकाय हर मैंने जाना गाने मेरा साहब बोला वो आलू चाल लगाए वो बांदर खाए वो सब फूट बोलते क्यों का नाम खेत बाड़ी कर भी नहीं सकता ना खेत बाड़ी अब को कर सकते हैं खेत ना बाड़ी कुछ नहीं कर सकता हम ना खेत कर सकता हम ना बाड़ी कर सकता बाबा तो जा कुछ ना और जरा आओ इन ठाकन आगे दिन पूरा है अब हमारे लोग अपनी लादन नहीं के भरना बुआ तो बहुत किसान है किसान कर चुके बाबा वो कर चुके अब रहे माना जबरदस्त रे जे कर जे बाप जोड़ के आबो ना मन सब दानी करी मन भी हमार बण गए न धन पाले न मोल गाड़ी सब दानी करे पर आप की गन जाबो आप गए गिन ताबो ना अब आ भी डर मन तो कर छ न आपरी नयनी दुनिया के गनो नाम ने छोड़िन पूर्ण तो मन भी के गन आबो हम तो रात न रात हम न जमा छोटू न रे रात हम कूटी छु और अब नन बच्चा छोटू रा नवाया छन तब बहर मु दारे तब भीतर गोस तब भीतर सू तब भीतर दारे तब बहर मु गोस तब आप दे खाणो बणा आम तो ये ना तन तन मा कुरन दा आ बेटी बोले बो दो आऊ बो दन तुम चुप रहन मंदे बात निकल तुम पहली बार निकल तुम ना दे ए इन बोल इन अब हम बोन की जाबो जो आप मर्जी कहली उन कहली और बोन की जाबो तब हाथ बसावे ना आपकी बोल सना मु दे
और ओंच बाडी हर मुसूब धानी कर दिन बाबा दिन की अबोन की निकल दिन खाना पकोन दिन हमारे चाह पानी बनोन दिन हमारे चाह पानी पू दिन अन्नी पूछ तो भाई हम को सभी वाने जे था धीरे नाम तो ये खाना नहीं बन चाह पानी पूछनी निवन था हमारे गांव में किसु भी देखे किसु भी देखे हमारे गांव में कुछ तो नहीं कुछ नीचे काम करना था हम बुढ़े भैया बोले सार सार जी वो बोल तुम काम नहीं कर सकते तो जान भी जाम तो टोकाई तो ना खाना तो किस अंदर जान शाम तो घुसे घुसे थे फिर भी जान शाम जब आ रही तो दिन तो जाए तू घर ना ना आराम सोची कर सकला हूँ बराबर ही जहाँ में बराबर था है सोची कर सकला हूँ बोलो ना बोल तुम बोल पैसा दे बोल तुम मांगने वाला काम करना बोल तुम बोल पैसा तो निकल रहा है देखो बहुत ही खूबसूरत मकान बना रखा है सीमेंटेड मकान पहाड़ों में इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं सीमेंटेड मकानों के तो ये भी पुराने मॉडल का मकान है देखो तुस्कंडी गांव में जो पशुपालन भी लोग करते हैं भैंस देखो एक दो दो दरे चार पाँच पाँच भैंसें आती हैं पहले आलो के तो बात के छकनो पढ़ाई वो पढ़ाई बड़ारे रास ले जा बाबा पढ़ा ना कदना चा पानी खाया जन जा डियो रुम बुझा बैठा है पानी पी जन जा बैठा रन जा और आप तो पढ़ा कोई दिखाणो भी नीचे हमार हमारी माँ हो ना श्रीनगर में लैंड सामान वो की दे वो की लैंड जा वो बट बुट बो जा जी लैंड वाला आर तो ओबिन लोण गुड़ गुड़े भेली लो जा वो बटे लो जा न कोई नहीं कहता कसरत को हमने कहते हैं कसरत हमें बोन को हम जरा सी बोलो तो हमार बुआरी क्या हमारे नोनी बोधन पहले से बात हमारे नहीं बोन तुम ना आप देख ली दोनी चैनी पहली को मरो बिले कलम ना गुठा रन सब भरियो आ कौन जान दुई भैंसी जी नहीं बिले कलम आ चार भैंसी मारे कलम हो चार भी कौन घर खाली वैगन माले हमारे दियो यो बटी लगी बाबा कूड़ा वो बटी लगेगी कोई घर मने ना तब लोन तुम नखुर के लिए मान लखुर नहीं मान हम इतना घर में हमारा प्राण बिहार जब रात पड़ जाए तो प्राण खन कर दो यो दुई आदमी आज दिन हमारा घर भरी उड़न तो खूब माने हाई तब खोज लो जाने पुअर का खोजा लॉकडाउन में तब लुकुन आप जगह खोजा कह कह बेचारो जूर रहे लुन बताया जे जानी रहे उन आप झोपड़ी झापड़ी गाड़ी नू माँ जगह माँ आता रहे खोजोड़ा कब कब जो हम आप घर में आया लुकार घर में गया रोड बैठ जो आप घर में आप गैस उलाया जुको जो जो खाणो पीणो पकाई है आप घर में जमा पड़ा रहे लोग घर में अंत हम भी जना कर दुई दिन आते ना हम बोल ये कन मारो ला भीतरो भीतर रो हम तीन था कि आप माम इतें गए उतें गए जरा बुलाया गए फोन है और तो आप तो पहाड़ आप ही जमा रो अब डाल बोली छन सारे काम करी भैंस रे न बल्द रे न बैर भी दरगाना जगह निरन छे चन्ना तो जगह भी निरन छे तो अब तो करी नहीं सकना खाली वेगिन खाली वेगिन बाबा बांज पड़ी न तन्नी था बस अपना जवारी आज योजना आया तो पर कहन बोली क्या हुआ तो वो गया अयन बोली कि तुम आते नहीं छे तो डर आ गया डर आ गया कि तुम नहीं सकदा तो की करना क्या सुने लुगार बोली भी वही थे कथा ओलो कथा ओलो पैसा मिल कथा 200 रुपए मिल दो अब मैं बोलो ना कब रिनी भी हां 200 रुपए कथा मैं बोलो जो आज था लुगार बोली भी सुने ना बोली सुने थे कब रिओन से कब रिनी भी हूं मैं मानो ना तो खींचे ना ना खींचू भरू और अब था अब तुम बल लगन ज्यादा लगन से कम तुम दे पैसा मिलने हां टाइम पर छोरे कब टाइम पर छोरे कब कब ताई से हो जाने छोरा कब ताई से हो जाने नो पता नहीं मिलदा बस उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरह के मकान पहले हुआ करते थे अभी भी है निंडाले वाले घर अभी भी है यार कितनी पीड़ित ये शायद आखिरी पीढ़ी तक रहेंगे उसके बाद ये टूट फूट जाएंगे देखो बहुत ही खूबसूरत मकान हुआ करते थे हाँ ये अपने जो है उत्तराखंड के घरों की पहचान है ना तो यहाँ पे देखो ये अभी डिनाले में बैठे हुए हैं काम है तो नहीं सुबह भी ना शाम तक आप भैंसा चना
बसों साफ करा दुआ धूम टई गास बोलाऊ मु गोबर सो रा खानो पका बाना मठा ना घास होते जा घास पिटना ना बाज सी पोणी से ना मारी ना रोड़े सी हालत है वही बटा बूटा से खराब हो यहाँ हमारा ना अब गाड़ी होना तो ऐसी रोड नहीं रही टूट फूट हुई रोड़े हम बहुत ज़्यादा काम कर चाचा ना कग जो मत जंगल खेट माथी वो को घास लोन छा लकड़ी लोन छा मो ना तडियर मु बच्चों नलोनी दुलोनी ना बच्चों खानो पियोनो ना शहर छा हमारे शहर जान छा हूँ बेखना छा हम शहर बैठे दूर छा हमारा शहर वो तो शाम कौन छा हम बच्चों मु इतना परेशान जी बहुत ज्यादा परेशान जी खेती बाड़ी के कन हम कोदू झोंगोरू साटी गेहूँ जो ये दाल वगैरह मसूर ना ये अब ये बोला नहीं होता ये आलू छन लगा ये राय लगाएंगी जो बुचांगा कुछ नहीं है बानी छन पड़ी खेती पाते सब बानी मार पड़ी दूधी टुकड़ी छन ये सौगाड़ी पतवाड़ी छन हमारे यार और कुछ नहीं ना खाना पीना सब बाजार बाटी अब वो नहीं तो अब पहले लोगों ने मैं खेती कमाते खाए अब कुछ कमाओ नौकरी तो पहले लोग भी कर चा पर कक जान था कक तो ऊपर प्रेम तो गला में जानो ना ऊपर नीचे टाइम तो अब क्यों चीन अब तो हम से बोल था कि हम बैर नहीं देना दियोस नहीं देना दे रहे मुरंदा अब खेती बाड़ी कर ला खेती बाड़ी पर करिए तो कमाओला खाओला ना अब कुछ कौन हो कोई नहीं कौन आज के लिए बुआरी तो क्यों है हाँ आज के लिए बुआरी होते आज के लिए बुआरी बनी बिचारी तुम्हारी बुआरी की बनी मेरी बुआरी है मेरी बुआरी मेरी बुआरी से वजह भाषण दीनी अच्छा ना अरे वो खाए कि जो जगह बोली आज के लिए बुआरी बाबा बहुत कम जन टेगनी ये हमारी बुआरी ये खोचन अच्छी खानदानी खोचन काम करना थे ना 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 लड़ा को नहीं कोई बड़ा को नहीं लड़ा ना नहीं बाबा नहीं लड़े ना ना लड़ा नहीं होने बुला नहीं होने खूब बच्चे तीन दिन बहन सब भी जंग रहे क्या हाँ दूध घी खोचन खाना बहुत मुश्किल बाबा ये पहाड़ पर बहुत ज्यादा कक्ष मर जंगल फिर बारू दाल पोल्टी पटोड़े जान पड़ता हमसे घास तक ना वो भी लोने घास लकड़ा सुविधा तो कि नहीं होने चाहिए सुविधा से रोड चमार टूटी तीन रोड सुविधा होनी बटा चंदा मर टूटिया गा वो बटो वो होनी ना है कुछ हम तो रोजगार मिलू बेटी बुआ रही होता रोजगार करता गोती बसण लगी मेरा मैं तो की लगी मेरा मैं तकी बड़ी बड़ी एनरी तू चकी गुरान लगी मेरा मैं तकी ऋतु ऋतु बड़ी एन बड़ी चकी गोती गुरान लगी मेरा मैं तकी ऋतु बड़ी एन तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तुसकंडी गांव का प्लीज़ कमेंट करके बताना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तुसकंडी गांव के लोगों के साथ हमने बातचीत करी और खेती बाड़ी पे ज़्यादातर लोग निर्भर रहते हैं प्लान भी यहां से काफ़ी हुआ है माइग्रेशन यहां से बहुत हुआ है इस गांव से उसका रीज़न जो है अच्छे स्कूल ना होना और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ना होना अच्छे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी ना होना तो उनकी ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि माइग्रेशन प्लान यहां से हो रहा है तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलेंगे एक और नए गांव में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड बाय बाय रावा जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें धन्यवाद रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें रावत जी गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब करें।